ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इलेक्शन का समय है और चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कई नेता जनसभा कर रहे हैं तो कई नेता रोड शो के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस मॉर्निंग न्यूज में कि आज दिन भर में क्या कुछ नया होने वाला है और इसके साथ ही जान लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ कुछ। दिवाली छठ पर्व के बाद कई खास अवसर हैं जिनके कारण कुछ जगहों पर पब्लिक हॉलीडे रहेगा। 12 नवंबर यानी कि आज, 13 नवंबर और 15 नवंबर को देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी छुट्टी है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहने वाले। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत आज रखा जाएगा। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। बीकानेर में पश्चिमी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन आज से 15 नवंबर तक भोपाल सेज यूनिवर्सिटी में होगा। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम रविवार को रवाना हुई। आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए करीब 1500 जवान तैनात रहेंगे। तिगरी मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। आज से 4 दिनों के लिए भारी वाहनों का रूट बदला जाएगा। मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन संभल, बबराला, नरौरा, डिबाई, बुलंदशहर, सिकंदराबाद होते हुए जाएंगे। मुरादाबाद से मेरठ जाने वाले वाहन टीएमयू के बगल से अगवानपुर बाईपास, छजलैट, नूरपुर, बिजनौर, बैराज, मीरापुर, मवाना होते हुए जाएंगे। आज विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। साल 2013 में टाटा समूह ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए एविएशन सेक्टर में फिर से कदम रखा और 9 जनवरी 2015 को विस्तारा ने दिल्ली और मुंबई के बीच अपनी पहली उड़ान भरी थी। अलवर जिला निर्वाचन विभाग ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान दल आज बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगा। बिहार के गया में आज रोजगार मेला लगेगा। इस रोजगार मेले में दिल्ली की कंपनी गया जिले में ही रोजगार का मौका देगी। खास बात तो यह है कि 60 वर्ष तक की उम्र के लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डेलीवरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा आज गया बोधगया रोड में स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय के प्रांगण में रोजगार मेला लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्र कथेड़ के रखरखाव के दृष्टिगत आज सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समय पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। ये जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पीएम मोदी राज्य के अलग अलग शहरों में रैलियां कर भाजपा की राह आसान करने वाले हैं। पीएम मोदी यहां कुल 11 रैलियों को संबोधित करेंगे और इसी के चलते पीएम मोदी आज चंद्रपुर, चिमूर, सोलापुर और पुणे में रैलियों को संबोधित करेंगे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज के दिन क्यों है कुछ खास। साल 1918 में आज के दिन ऑस्ट्रिया एक गणतंत्र बना। साल 1925 में आज ही के दिन अमेरिका और इटली ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। साल 1936 में आज ही के दिन केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले। साल 1940 में आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म हुआ था। साल 1967 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।